हेलो सर, माय नेम इज राजकुमार शर्मा। माय इनिशियल इज आर्किटेक्चर। सर, आई एम बीटेक फ्रॉम आईआईटी धनबाद एंड ऑथर ऑफ रोडो सॉल्यूशन। और आईटीआई के फील्ड में अप्रोक्सीमेट 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, और इसको ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर एक स्टूडेंट 10th क्लास में 10th क्लास पास करता है, उसके बाद जो 11th में जाता है, तो उसके सामने आईटीजेई की तैयारी के विषय में सोचता है। वो चाहता है कि किसी एक अच्छे आईआईटी से बीटेक करे या किसी एक अच्छे एनआईटी से बीटेक करे। तो किसी अच्छे आईआईटी से बीटेक करना या किसी अच्छे एनआईटी से बीटेक करना, ये इसके लिए आप जो कंपटीशन देते हो ना आईआईटी का, वो वर्ल्ड का पूरे इंडिया का एक बहुत अच्छा कंपटीशन है, एक डिफिकल्ट कंपटीशन है। और किसी भी डिफिकल्ट कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए उसका प्रिपरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए आपके पास सेल्फ स्टडी करने का टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि हमने किसी कोचिंग एडमिशन ले लिया और आईआईटी निकल गया। ऐसा होता तो सभी सेलेक्ट हो जाते हैं। आईटीजेई में टोटल 13 लाख स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेट पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्जाम में, और जनरल कैटेगरी में 10,000 सीटें हैं। जनरल कह रहा हूँ, टोटल 10,000 सीट है और जनरल कैटेगरी में करीब 4,000 तक ठीक ठाक है कहा जाता है। तो अगर 13 लाख में से मैं 10,000 की भी बात करूँ कि अगर आईटीजेई की सीटें हैं, तो 10,000 तो बहुत कम हो गया ना। तो आप समझ सकते हैं कि आईटीजेई का एक्चुअली आईटीजी कितना डिफिकल्ट कंपटीशन है, नॉट सो इजी। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन बोर्ड एग्जाम एंड आईटीजी एग्जाम। तो 10th क्लास से जब बच्चा निकलता है और जब उसके दिमाग में आईटीजी की तैयारी करने आता है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट दो तरह के ऑप्शन देता है आपको। फर्स्ट, मतलब सारे नहीं, कुछ तो देते ही। फर्स्ट एक प्रोग्राम होता है SIP। ये प्रोग्राम स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है कि कोचिंग वालों को किसी स्कूल के साथ टाई अप होता है। तो उस टाई अप में जब आप बच्चे का एडमिशन कराते हैं, तो स्कूल आवर्स में ही जब स्कूल के टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाने का टाइम पे जाते हैं, तो उस टाइम पे उस कोचिंग के टीचर जाके पढ़ा जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। और एक होता है CRP, ये क्लासरूम प्रोग्राम है। क्लासरूम प्रोग्राम, इसमें क्या है कि एक बच्चा स्कूल में अपनी पूरी क्लास अटेंड करेगा, स्कूल के टीचर फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैथ केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद वो कोचिंग में जाएगा और वहां पे वो कोचिंग के टीचर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ेगा। तो देखिए, इस प्रोग्राम के लिए आपको अपना स्कूल चेंज करना पड़ सकता है, इस प्रोग्राम के लिए आपको अपना स्कूल चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो अब इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चे को इसमें जाना चाहिए कि इसको ऑप्ट करना चाहिए। एकदम ध्यान सुनिएगा, क्योंकि आपका फ्यूचर या आपके बच्चे का फ्यूचर इस डिसीजन पे बहुत निर्भर करता है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया और मान लिया। एक बार एनालिसिस तो करो, एक बार एनालिसिस करने की बहुत जरूरत है। चलिए अब मैं बात करता हूं CRP प्रोग्राम के लिए। इसमें आपको अपना स्कूल चेंज नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट, स्कूल चेंज नहीं करना है, नो स्कूल चेंज। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप उसी स्कूल में रहेंगे। अब देखिए, अगर एक बच्चा उसी स्कूल में है जिसमें वो पढ़ रहा है, तो स्कूल में सपोज करो स्कूल की क्लासेस शुरू होती है सुबह 8 बजे से, सपोज करो 3 o'clock तक है स्कूल की क्लासेस। अगर ऑफलाइन शुरू होता है तो आपकी क्लासेस 8 से 3 चलेगी। और ऐसा थोड़ी कि पूरी लाइफ भर आप दोनों साल आप पढ़ते रहेंगे क्या लाइव क्लास, ऐसा कुछ नहीं। ऑफलाइन तो शुरू होगा ही। तो ऑफलाइन स्कूल में अगर शुरू होता है, तो आप 8 बजे AM से लेके 3 PM तक आप स्कूल में रहेंगे।
8 बजे सुबह स्कूल जाने के लिए आपको 7 PM पे तो आपको एटलीस्ट जगना ही पड़ेगा। तो 7 AM से लेकर 3 PM तक आप स्कूल में हैं, मतलब ये टाइम स्कूल के लिए एक तरह से। 7 to 8 में आप तैयार होंगे, फिर 8 से 3 में आपका बच्चा स्कूल जाएगा। 3 बजे स्कूल से छूटेंगे तो मान लीजिए करीब 4 o'clock तक या 3:30 तक आप घर पे आएंगे, तो फिर आपको भागते हुए कोचिंग जाना है। मतलब आप 3 बजे से 3:30 बजे तक घर आते हैं, ठीक है, और स्कूल क्लासेस अगर 4 बजे शुरू होती हैं तो आधे घंटे के अंदर आपको भाग के स्कूल जाना है। उसी में आपको जो भी खाना वाना खाना, नाश्ता जो भी करना कर सकते हैं, मतलब भाग दौड़ शुरू हो रही 3 बजे से। अब 4 PM पे आप अपनी कोचिंग जाते हैं, जहाँ पे क्लासेस 4 से 8 PM तक चलती हैं। तो ये कोचिंग क्लासेस है, कोचिंग, और ये है स्कूल। स्कूल में क्या है, स्कूल में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के टीचर्स पढ़ाएंगे, वही चीज एक बार फिर आपको यहां पढ़ना है। ये पढ़ाएंगे, उसमें कंफ्यूजन भी है, उसको कंफ्यूजन को भी यहां पे दूर करो और उसी को दोबारा भी पढ़ो। ये जो टाइम है पीसीएम की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, ये टाइम जो स्कूल में खत्म हो रहा है, बेकार हो रहा है, उसको इधर भी देना है अलग से। 8 बजे कोचिंग से निकलने के बाद आप 8:30 तक घर आते हैं। 8:30 पे अगर आपका बच्चा घर पे आता है, मुझे ये बताइए, 8:30 पे अगर वो डिनर करता है तो अप्रॉक्सीमेट 9 हो जाएगा। तो 9 PM पे वो चाहे तो पढ़ने बैठेगा। तो मुझे ये बताइए, 7 AM से लेके 9 PM तक एक स्टूडेंट को रिलैक्स करने का टाइम कहाँ मिला? दौड़ी तो रहा है, भाग रहा है। 9 PM पे वो पढ़ने बैठेगा। 9 PM से कब तक पढ़ेगा? अगर उसको 7 बजे सुबह जगना है, 7 hours की नींद चाहिए ना सोने के लिए, तो 12 PM तक, मतलब 3 hours आपके पास मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए 3 घंटे का टाइम है। स्कूल का अपना पता नहीं कौन कौन सा होमवर्क होता है, कौन कौन सा काम होता है। बच्चा इस 3 hours में स्कूल का होमवर्क करेगा, कोचिंग का होमवर्क करेगा, कोचिंग वाले फीस कंस्ट्री मैथ देंगे होमवर्क, वो इसमें करे कि स्कूल का होमवर्क करे, और इससे ज्यादा उसको टाइम नहीं मिलेगा। ITJEE जैसे डिफिकल्ट एग्जाम की तैयारी पर डे 3 hours सेल्फ स्टडीज होती है, मुझे लगता है। अगर कोई स्टूडेंट स्कूल जाते हुए ITJEE सिलेक्ट होता है, मतलब इस प्रोग्राम में रहते हुए ITJEE सिलेक्ट हो रहा है, तो अगर इस प्रोग्राम में नहीं होता तो बहुत अच्छी रैंक लाता, बहुत ही अच्छी रैंक लाता, दैट मीन्स बहुत अच्छी रैंक लाता, ठीक है। तो और क्लियर है, ITJEE एग्जाम एक डिफिकल्ट एग्जाम है, इसको गलती से भी हल्के मत लीजिए। जिसने ITJEE तैयारी किया उसे पता है कि ITJEE एक डिफिकल्ट एग्जाम है, उसका प्रिपरेशन 3 hours में तो एटलीस्ट नहीं होगा। तो इस आर्ट्स में अगर आपको ITJEE क्वालिफाई करना है, तो आपके बच्चे को ट्रूली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, मतलब अच्छा IQ का होना चाहिए, बहुत अच्छा IQ होगा, तब जाके इतने आर प्रिपेयर करके कोई रैंक ला सकता है। अब मैं बात करने जा रहा हूं स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के विषय में, और उसके पहले थोड़ा इसमें एक और हम बात करते हैं। एक तो टाइम का प्रॉब्लम आ गया, दूसरा इस प्रेशर को, जो ये जो प्रेशर आएगा स्कूल का होमवर्क अलग, कोचिंग का होमवर्क अलग अलग, ये जो प्रेशर बच्चे पे आएगा, उस प्रेशर को बच्चा हो सकता है झेल पाए, हो सकता है ना झेल पाए। नहीं झेलेगा तो क्या करेगा, इस कोचिंग के होमवर्क को पहले छोड़ देगा, कोचिंग की क्लासेस इरेगुलर होगी, स्कूल की क्लासेस भी इरेगुलर होगी, ताकि कोचिंग को पूरा किया जा सके। और स्कूल वाले प्रेशर देंगे तो कोचिंग की क्लासेस इरेगुलर होगी, स्कूल का एग्जाम शुरू होगा तो कोचिंग क्लासेस बंद कर दी जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि हर स्कूल का एग्जाम तो सेम टाइम पे होता नहीं, किसी स्कूल का एग्जाम किसी टाइम पे, किसी स्कूल का एग्जाम किसी टाइम पे। और इस प्रोग्राम में हर स्कूल का बच्चा पढ़ रहा है, तो किसी एक स्कूल का एग्जाम किसी इंटरवल में टाइम में हुआ और दूसरे स्कूल का नहीं हो रहा है, तो कोचिंग वाले उसका पढ़ाएंगे, उसको वो घर पे बैठा रहेगा ये सब। अब फिर जब वो दोबारा आएगा पढ़ने के लिए बच्चा आपका, फिर वो उसको कैसे कवर करेगा? खुद देखिए, अगर
पांच स्कूल का स्टूडेंट आपके सीआरपी प्रोग्राम में पढ़ रहा है, अगर पढ़ रहा है तो पांच स्कूल के एग्जाम अलग अलग टाइम पे हुआ, तब आपको नहीं लग रहा आप बच्चे पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, रियल कर रहे हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ सीआरपी प्रोग्राम इज मिनिमम टाइम मिलेगा आपको सेल्फ स्टडी करने का, 3 आवर्स टाइम इज नॉट सफिशियंट फॉर आईआईटी जेईई एग्जाम, आई एम टॉकिंग अबाउट आईआईटी जेईई। सेकेंड, स्कूल के एग्जाम्स अलग अलग होते हैं, हाफ अर्ली एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स, तो उसके वजह से कोचिंग वाले तो क्लासेस बंद करेंगे नहीं, तो अगर पांच स्कूल है तो पांच क्लासेस बंद करेंगे, तो फिर वो सिलेबस का पूरा करेंगे, तो वो डिस्टर्बेंस दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम, स्कूल का पूरा करने के लिए कोचिंग छोड़ेगा, कोचिंग को पूरा करने के लिए स्कूल छोड़ेगा, सब मिसमैनेज होगा। फोर्थ, तुम जेन्युइन बता रहा हूं, अदरवाइज आप खुद सोच के देखो, ऐसे नहीं कि आपने लिया कुछ ऐसा नहीं, आप एक बार फिर बैठ के सोचो कि जो मैं कह रहा हूं क्या गलत है, और अगर गलत है तो आप बताओ, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं एक और चीज, अब इसके साथ साथ एक और बात आता है बच्चे के दिमाग में, 11th में आईटी तैयारी करेगा, 12th में आईटी तैयारी करेगा, नहीं हुआ आईटी, तो 12th पास के बाद जो अटेम्प्ट मिलेगा एक साल का उसमें तैयारी करेगा। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर इधर अच्छे से तैयारी नहीं हुआ तो इस एक साल में आईटी कितनी अच्छी तैयारी होगी, बहुत अच्छी तो नहीं होगी। एटलीस्ट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आईटी जेई एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, अब हम बात करेंगे स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के विषय में। देखिए इस प्रोग्राम में क्या है, एकदम सेम टाइम जाएगा, एक स्टूडेंट 8 AM पे अपनी स्कूल जाएगा और 3 PM पे सपोज करो स्कूल के अंदर, तो इसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का टाइम होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो टाइम होगा, जो स्कूल के टीचर वहां पे पढ़ा रहे होंगे उस टाइम में आपके कोचिंग के टीचर्स पढ़ा देंगे, तो ये टाइम तो आपका बच गया, तो सीधे 3 PM पे के बाद जब घर पर आते हैं तो 3:30 PM पे आएंगे घर पे। अब कोई आपको कोचिंग क्लास अटेंड नहीं करनी, एकदम नहीं करनी, अब आपको होमवर्क करनी, तो 3:30 से 4 PM तक अगर आप खाना वाना खाते हैं और 4 से लेके 4:30 तक थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया, रिलैक्स दे दिया, रेस्ट दे रहा हूँ, देखिए 4:30 से आधा घंटा और लो, क्या फर्क पड़ता है, 5 PM तक चलो 1 घंटे का रेस्ट लो, रेस्ट बहुत जरूरी है ना, 1 घंटे का रेस्ट लो, 5 PM पे पढ़ने बैठो, तो 5 PM से लेके अगर मैं 12 बजे तक की बात करूँ और एक 1 आवर्स का अगर डिनर हटा दो, डिनर हटा दो तो आपके पास 6 आवर्स का टाइम है, थ्री आवर्स आप एक्स्ट्रा आपको टाइम मिल रहा है विद रेस्ट, तो अगर आपको 6 घंटे का टाइम मिल रहा है अलग से सिर्फ पढ़ने के लिए, तो उसमें फिजिक्स का जो होमवर्क होगा स्कूल वाला जो कोचिंग टीचर्स करा रहे हैं, कोचिंग वाले स्कूल वाले भी कराएंगे प्लस चेयर डांस भी कराएंगे, वो आप इसमें करो, केमिस्ट्री भी करो मैथ भी करो, आपको अलग से क्या करना होगा, सिर्फ इंग्लिश एंड प्लस साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात आती है, कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डोंट गो टू कंप्यूटर साइंस, पीएड लो, आपको मेहनत कम करना पड़ेगा, ठीक है, और स्कोर अच्छा आ जाएगा, तो ये 3 सब्जेक्ट PCM तो हम पढ़ा देंगे और जो इंग्लिश है स्कूल वाले पढ़ा देंगे, इसके लिए आपको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है, अगर कंप्यूटर लेंगे तो आपको इसमें से टाइम निकाल के कंप्यूटर को भी ध्यान देना पड़ेगा, और अगर आप इस भ्रम में हैं कि मैं कंप्यूटर अलग से लेके जब IIT से बीटेक करूंगा तो मुझे एज मिलेगा क्योंकि मैं पहले से कुछ पढ़ा हुआ हूँ, भूल जाइए IIT है,
एक बार आईटी क्वालिफाई करता है ना, वो आईटीएन होता है। अच्छा आईक्यू है, ठीक है, और एक ऐसे एग्जाम को क्वालिफाई किया है जो वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम है, उसके लिए ना 1 महीना काफी है, सब कंपनसेट कर देगा। आईटी एग्जाम को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ये दिमाग से भ्रम हटा दीजिए कि हम कंप्यूटर साइंस पहले से पढ़े रहेंगे स्कूल में, तो हम आईटी से बीटेक करने जाएंगे तो आपको एज मिलेगी, कोई एज नहीं है। आप देखेंगे ना क्लास के अंदर, अभी देखिए कोचिंग में पढ़ते हैं 40 बच्चे क्लास में होते हैं, 40 आईटीएन नहीं होते हैं, उसमें से कुछ ही आईटीएन होंगे, बट जब आईटी से बीटेक करेंगे ना तो सारे के सारे आईटीएन होते हैं क्लास के अंदर। जो फर्स्ट डेस्क से बैठा वो भी आईटीएन है, जो लास्ट बैठा वो भी आईटीएन है। आप ये नहीं कह सकते कि आगे वाला का दिमाग ज्यादा अच्छा है पीछे वाला खराब है, कुछ नहीं, सब अच्छे हैं, सब क्रीम ले रहे हैं क्लास के अंदर, वो कवर कर लेंगे, इसलिए सोचने की जरूरत ही नहीं। बिना कंप्यूटर पढ़े वो कंप्यूटर के कोर्सेज, सी लैंग्वेज, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे सीख जाता है। तो ट्रूली आई एम टॉकिंग अबाउट आईटीएन। ओके, तो मैं बात कर रहा था ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो ऑप्शनल में आप पीएड लीजिए, नॉट गो टू कंप्यूटर साइंस, क्योंकि ये टाइम बचाना है, क्योंकि आपको आईआईटी में जाना है। इसमें से जितना टाइम आप बाहर निकालेंगे ना, आईआईटी की रैंक आप उतनी खराब कर रहे होंगे, इसलिए सही चीज सेलेक्ट करो। अगर आप 6 आवर्स आप पूरे 2 साल तक पढ़ते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आप आईआईटी निकाल ले जाएंगे, नहीं आईटी निकालेंगे तो एक अच्छे एनआईटी में तो ही जाएगा। हाँ, बस रहते आपको इसके लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब आप 6 आवर्स पर डे पढ़ रहे हैं, अगर तबीयत नहीं खराब है तो आप पढ़ रहे हैं, तो आप आईटी निकाल ले जाओगे। अब इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आईटी को पाने का ड्रीम कितना है आपके अंदर। मतलब एक होता है कि ठीक है आईटी में जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक, या आईआईटी चाहिए ही चाहिए। अगर आपको आईआईटी चाहिए ही चाहिए तब तो ये जो प्रोग्राम है ना एसआईपी, दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम। अगर आईआईटी चाहिए ही चाहिए, रिलाइन का इंपॉर्टेंस समझिए, अगर आईआईटी चाहिए ही चाहिए, एक अच्छी एनआईटी चाहिए ही चाहिए, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम, बेस्ट प्रोग्राम। लेकिन अगर आईआईटी ठीक है, एनआईटी ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलो देन योर चॉइस। आप एसआईपी में जाओ तो भी, सीआरपी में जाओ तो, आपकी मर्जी। फिर फाइनली मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आईआईटी आपको चाहिए, एक अच्छी एनआईटी चाहिए, देन गो टू एसआईपी प्रोग्राम एट द प्लेस ऑफ सीआरपी प्रोग्राम, क्योंकि बेसिक रीजन है सेल्फ स्टडी का टाइम होना। अगर आपके पास टाइम नहीं है प्रिपेयर करने का तो टीचर आईटीएन नहीं सक रहा होगा, यार आईटीएन खुद बना जाता है, आईटीएन टीचर नहीं बनाता है, वो खुद बना जाता है, वो डिटर्मिनेशन आपका होता है, मुझे आईटीएन बनना है तो बनना है, टीचर तो हेल्प करता है। रेस में जब घोड़े दौड़ते हैं ना, तो जो सिखाने वाला होता है वो बस सिखा रहा होता है, लेकिन जो सीख रहा होता है वो अजीज रेस दौड़ता है, वो दिन उसी घोड़े में जीतना होता है। तो उसका प्रिपरेशन के टाइम का मोटिवेशन लेवल और कितना टाइम वो अपना प्रिपरेशन के लिए दे रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने डिसिप्लिन से दे रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने आप से पूछिए कि मुझे आईआईटी चाहिए या ठीक है चाहिए। अगर आपको आईआईटी या एक अच्छी एनआईटी चाहिए चाहिए, देन गो टू सिस्टमेटिक प्रोग्राम एसआईपी, ताकि आपके पास टाइम मिले। और हाँ, इस भ्रम में बिल्कुल मत जीजिएगा कि सीआरपी में रहते हुए भी आईआईटी निकालते हैं बच्चे, ऑफकोर्स निकालते हैं, बट अगर वो एसआईपी में गए ना तो उनकी रैंक बहुत अच्छी आएगी। अगर एक बच्ची की रैंक 500 आती है ना सीआरपी प्रोग्राम में रहते हुए, इतना डिसिप्लिन है कि 5 रैंक आ रही है, तो एसआईपी में रहते हुए उसकी रैंक
अंडर 100 आ जाएगी, 50 के अंदर आ जाएगी। इंपॉर्टेंट द टाइम फैक्टर, और पूरे 2 साल तक बच्चे पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। अगर प्रेशर आएगा तो स्कूल भी खराब होगा, प्लस आपका कोचिंग भी खराब होगा, दोनों को मिस मैरिज, सब दोनों मिस मैरिज हो जाएंगे। इसलिए गो टू एस आई पी प्रोग्राम इफ यू आर डेस्परेट फॉर आई टी जी या गुड एन आई टी। ओके, थैंक यू।